Hello students, I am CS Shweta and today is your second session of CMA Inter Paper Number 6 Law and Ethics. So last session में हम लोगों ने बात करी थी क्या क्या topics covered हैं subject में. ये subject में दो parts basically divide हुए हैं, law और ethics, और इस पूरे subject में चार section हैं A, B, C, D करके. और हमने section A का study note number 1 start कर लिया था. So again you can have a look. You have these topics covered here: Section A, Commercial Law; Section B, Industrial Law; Section C, Corporate Law; and Section D, your Ethics. सबके सामने उनकी respective marking scheme भी लिखी हुई है. हम लोगों ने Section A का Commercial Law का Study Note Number 1 Indian Contract Act 1872 start कर लिया था. Indian Contract में ये सारी बातें हैं, हमने ये भी बात करी थी. उसके बाद हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, कहाँ से लिया है और क्या क्या चीज़ें हैं, कब बना था, उसमें उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. ये सब बातें हमने लास्ट पहले सेशन में कर ली थी, राइट. आपको अगर याद हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिमेंबर. तो ये सारी बातें हमने कर ली थी. तो आज जो हमें टॉपिक से स्टार्ट करना है दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नाम से पता चल रहा है हमें कि ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है. जनरल वर्ड के बारे में बात करी जाए तो हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का मतलब पता है, एक लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो. लेकिन लीगली इनकी क्या डेफिनेशन है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लॉ और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. ऑफर, ऑफर इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज एंड ईजी लैंग्वेज, ऑफर मीन्स अ प्रपोजल. ये हमने पहले भी बात करी थी, मैंने आपको बताया था प्रपोजल को ऑफर बोला जाता है या ऑफर को सिनोनिमस करा जाता है प्रपोजल से. द टर्म प्रपोजल इज अदरवाइज कॉल्ड एज ऑफर. ऑफर इज अ प्रपोजल जिसमें वेयर बाय वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस. मैंने पहले भी आपको बताया था जब एक इंसान अपनी विलिंगनेस चाह बताता है सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको ऑफर बोलते हैं. और एज पर लॉ सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट डिफाइंस प्रपोजल और ऑफर एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर ऑन द एक्ट और अब्सटेनेंस इज कॉल्ड एज ऑफर. तो एक बात बताओ, रेड में जो लिखा है वो तो लीगल डेफिनेशन है कि लॉ के हिसाब से ऑफर क्या है, एक अपनी विलिंगनेस है जब एक चाह बताता है एक इंसान सामने वाले को कि मेरी ये चाह है कुछ करने की या कुछ ना करने की, तो ये ऑफर है. जो इंसान ऑफर बनाता है, ऑफर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर. और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी. तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बड़ी बार ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ए एंड बी का, तो ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर रुपीज 5 लाख. ए बी को ऑफर दे रहा, अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि मैं तुम्हें गाड़ी बेचना चाहता हूँ. तो यहाँ देखिए ए क्या हो गया आपका ऑफरर और बी क्या हो गया ऑफरी. क्लियर, वेरी सिंपल. आगे देखिए, ऑफर मस्ट बी वैलिड वन. ऑफर वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड ऑफर नहीं चलेगा एज पर लॉ. द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी केप्ट इन टू अकाउंट फॉर अ वैलिड ऑफर. वैलिड ऑफर के लिए सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल इन टर्म्स. अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, क्लियर मतलब सामने वाले को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ऑफर दे रहे हो. डेफिनेट मतलब कि आप उस बात से हटो मत. कंप्लीट मतलब बाद में मत बोलना कि अरे वो तो आधा ऑफर था. फाइनल मतलब कि सामने वाले की मंजूरी लेने से पहले अपना ऑफर एकदम फाइनल बता दो कि इससे मैं एक पैसा ज़्यादा नहीं लूँगा, एक पैसा कम नहीं लूँगा, इससे मैं एक ज़्यादा सर्विस नहीं दूंगा या इससे कम सर्विस नहीं दूंगा. तो फाइनली आपको बता देना है. बाद में ये मत बोलिए कि अरे आपने दूसरे का ऑफर क्यों ले लिया, मेरा तो अभी कुछ बचा था. ऐसा नहीं चलेगा. तो ऑफर क्लियर होना चाहिए सामने वाले को, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल. कंप्लीट और फाइनल में फ़र्क है. कंप्लीट मतलब पूरा बता दीजिए, फाइनल मतलब कि इसके बाद आपको चेंज नहीं करना. आपका ऑफर वेग नहीं होना चाहिए. वेग मतलब समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट और समथिंग दैट इज नॉट श्योर, समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट. तो वेग नहीं होना चाहिए. ये पॉइंट हमेशा क्लियर रहेगा कि हमें ऑफर, अब देखो अब इसमें रटने वाली कोई बात नहीं. आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो वो ऑफर वैलिड ऑफर कब होगा, जब वो ऑफर क्लियर हो, सामने वाले को समझ आना चाहिए, डेफिनेट हो कि आप जो बोल रहे हो वहीं पर टिके रहो. कंप्लीट ऑफर दे दो, बाद में मत बोलना, और फाइनल इसके बाद मुकरना मत.
ठीक है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आराम से आपके पॉइंट्स बन जाएंगे और आंसर भी। अगला पॉइंट देखिए, ऑफर वैलिड ऑफर में क्या क्या चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कहोगे मैम ये तो पता ही है हमें मस्ट का मतलब क्या होता है। मस्ट मतलब होना ही चाहिए। तो ऑफर किसको कम्युनिकेट होना ही चाहिए? ऑफरी को। जैसे देखिए, मैं ऑफरर हूँ और मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप ऑफरी हैं तो मुझे आपको ऑफर देना चाहिए। अगर मैं आपके बजाय किसी और को ऑफर दूं तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। द ऑफर बिकम्स इफेक्टिव। ऑफर तभी इफेक्टिव होता है जब वो किसको कम्युनिकेट करा जाए? ऑफरी को, ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि उसको एक्सेप्टेंस करना है या रिजेक्शन करना है, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस करना या रिजेक्शन करना, ये ऑफरी को एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तभी ऑफर जो है वो किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? ऑफरी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कम्युनिकेशन में भी राइटिंग और ओरल, जैसा आप चाहे। ओरल में भी हो सकता है आप ऑफर कम्युनिकेट कर सकते हो, राइटिंग में भी। कम्युनिकेशन जो है वो एक्सप्रेस टर्म्स में भी हो सकता है और इम्प्लाइड टर्म्स में भी। अब ये क्या बात है, एक्सप्रेस टर्म्स या इम्प्लाइड टर्म्स? अब एक बात बताइए, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको जी ड्राइव में क्लासेस दूंगी या पेन ड्राइव में मैं आपको अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगी और आप इतनी फीस पे करोगे। अब आपको मैंने सिर्फ सेक्शन ए और बी की क्लासेस दे दी, सी और डी की नहीं दी। और मैंने आपको बोला कि अरे मैंने कब कहा था मैं सारे सेक्शन की दूंगी? आप कहोगे मैम ये तो इम्प्लाइड है ना। इम्प्लाइड मतलब आप जो पूरा सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हो तो पूरे सब्जेक्ट में तो सी और डी भी आएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सप्रेस टर्म्स पे काम करती है। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के बात करने पड़ते हैं टर्म एंड कंडीशन। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो इम्प्लाइड होते हैं, जिनको बोल के या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, द ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। अगर ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया तो उसको स्पेसिफिक बोला जाता है, और अगर वो ऑफर सब मतलब एक पूरे वर्ल्ड एट लार्ज को दिया गया मतलब सबके लिए वैलिड है तो उसको जनरल ऑफर बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑफर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ऑफर दो टाइप के होते हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। ऑफर की कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो सकती है जब वो पर्सन की नॉलेज में आए। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि अरे मैंने तो ऑफर दे दिया था तुम्हारे पीए को, तुम्हारे मैनेजर को। नहीं, ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो उसकी नॉलेज में आएगा जिसको आपने ऑफर, जिसके साथ आपने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमें ये सारी बातें समझ में आई यहाँ पे, ऑफर क्या होता है, उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, ऑफर में क्या क्या बातें ध्यान देनी पड़ती है। ऑफर में डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जनरल स्पेसिफिक होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफरी को होनी चाहिए, राइटिंग या ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड टर्म्स भी हो सकते हैं, और लास्ट कह रहा है कम्युनिकेशन तभी कम्प्लीट होगी जब सामने वाले को उसकी नॉलेज हो जाए ऑफर की। आपने ऑफर कर दिया और आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो सामने वाला समझ जाएगा। नहीं, जब सामने वाला समझ जाएगा, आपको हामी भर देगा, तभी आप मानिए कि आपने अपने ऑफर को कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ वैलिड पॉइंट्स थे ऑफर के। अगला देखिए, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन मतलब रिवोक करना, कैंसिल करना। रेवोकेशन मतलब कैंसिल करना। सेक्शन 5 कहता है प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब ये जो पॉइंट है ये आप तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। ए ने बी को ऑफर भेजा, देखो भेजा, अभी ऑफर पहुंच गया बी के पास। मतलब आप कहोगे मैम ये दो दो लाइन ड्रॉ करने की क्या जरूरत थी, चलो इग्नोर करो दूसरी लाइन को, लो डोंट फील बैड, ये लो मैंने इरेज कर दिया, इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, मैंने ऐसी बनाई थी। देखो कैसी लाइन है, डिलीट भी नहीं हो रही है। चलिए तो हम लोग वापस अपने सीरियस एग्जांपल पे आ जाते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 5 लाख रुपीज़ की, मैंने अपनी कार को सेल करना चाहता हूँ 5 लाख की। बी ने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। अभी बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। सपोज आज मंडे है, मंडे को इसने ऑफर करा, वेडनेसडे हो गया लेकिन बी का कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई, कोई रिजेक्शन भी नहीं आई, ना हाँ बोला ना ना बोला। तो ए ने क्या करा, वेडनेसडे को
मॉर्निंग में जवाब तो आया नहीं था बी का कुछ, तो ए ने अपना जो ऑफर है वो वापस ले लिया, रिवोक कर लिया, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया. अब यहाँ देखो, द प्रपोजल मे बी रिवोक्ड. आप अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एनी टाइम, कभी भी, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट. अभी तो उसने एक्सेप्टेंस दी ही नहीं और कम्युनिकेट भी नहीं करी. अच्छा, अगर अपने मन में, सपोज ये जो बी है ना, ये अपने मन में सोच के बैठे, अरे यार मैं गाड़ी के लिए ना पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं गाड़ी तो खरीदनी है 5 लाख की, तो 3 लाख तो मेरे पास है, 2 लाख किसी से मांगता हूँ या लोन लेता हूँ या कुछ करता हूँ. पर बी को ये सब बोलना पड़ेगा ना, ए को मेंटली खाली सोच लेना कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं एक्सेप्टेंस करना चाहता हूँ, दैट इज़ नो एक्सेप्टेंस इज लॉ. लॉ कहता है कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. वैसे ही बी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ए को कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ. जब तक बी कम्युनिकेट नहीं कर देता ये चीज़, उससे पहले कभी भी ए अपने ऑफर को ले सकता है वापस, रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं. लेकिन अगर अगर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद ए रिवोक नहीं कर सकता. और अगर ऐसा करेगा तो बी उस पे केस कर सकता है. जैसे बी ने वेडनेसडे मॉर्निंग बोल दिया कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं आपको कार के लिए, हम लोग जल्दी ही मिलते हैं. दोपहर के टाइम ए बोलता है उसको, मतलब आफ्टरनून में, वेडनेसडे आफ्टरनून बोलता है ए कि सॉरी मैं अब आपको कार ना सेल नहीं करना चाहता, मैं अपना ऑफर रिवोक करता हूँ. बी कह गया, ऐसे कैसे रिवोक करते हो, मैं तुम पे केस कर दूंगा. कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. आप कहोगे मैम कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, केस क्यों करेगा. आप खुद सोचिए, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, ए ने ऑफर किया था, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. लेकिन तो अगर ए वापस में रिवोक करेगा एक्सेप्टेंस के बाद में, बी उस पर केस करेगा. बी कहेगा तुम्हारे चक्कर में मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया, उसके बाद मैंने अपना लोन अप्रूव कराया, मैंने लोन के प्रोसेसिंग फीस दे दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी, एक एसेट, करंट एसेट मॉर्गेज कर दी, अपना गोल्ड लोन सपोज मैंने लिया मुथूट फाइनेंस से, मेरे इतना खर्चा हुआ है, अब तुम मना कर रहे हो मुझे गाड़ी देने से. लॉस काफ़ी डैमेज तो हुआ ना बी को, तो बी ये सारा डैमेज क्लेम नहीं करेगा इसे. आगे देखिए, तो इसलिए रिवोकेशन हमेशा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने से पहले पहले आप रिवोक कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो. अगर ए चाहता है कि उसे बी को ऑफर नहीं देना ये, तो ले ले वापस ऑफर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बी की एक्सेप्टेंस देने से पहले, नॉट आफ्टरवर्ड्स. एज पर सेक्शन 6, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड. कैसे रिवोक कर सकते हो आप? आपने जो प्रपोजल दी है, जैसे ए ने बी को प्रपोजल दी है, तो ए कैसे रिवोक कर सकता है अपना प्रपोजल? पहला, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी. तो ए अपना कम्युनिकेशन नोटिस डाल सकता है, मतलब नोटिस डाल सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है वो चीज़ बी को, ठीक है ना, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. तो क्या कम्युनिकेट करना है ए को? नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजल टू द अदर पार्टी. मतलब यहाँ तो हम ए भी बोल रहे हैं, तो आप कैसे रिवोक कर सकते हो? बाय कम्युनिकेशन नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजल टू द अदर पार्टी. तो ऐसे रिवोकेशन हो जाएगी ऑफर की. सेकेंड, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. अगेन, जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूँगी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा. अब ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं. ए ने मंडे को बी को बोला था कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹5 लाख. बी ने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ. ए ने बी को साथ में बोल दिया कि देखो आप मंडे मॉर्निंग 10 AM तक बता देना, उसके बाद मैं अदरवाइज कोई और बायर ढूंढूंगा. अब ए बी का आजीवन थोड़ी ना वेट करेगा कि कब बी के पास पैसे आएंगे, कब बी बोलेगा गाड़ी खरीदने के लिए. ऑब्वियस बात है, ए को भी तो दूसरे किसी बार को ढूंढना पड़ेगा. तो ए ने बी को बोला कि ठीक है आप सोच लीजिए, वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM के बाद आई विल फाइंड अनदर बायर. ठीक है, बी ने वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM तक एक्सेप्टेंस नहीं दी. आफ्टरनून में कॉल कर रहा है ए को और बोल रहा है कि अरे आपकी कार का मतलब मैं खरीद सकता हूँ. ए कहता है नहीं, अब तो मैंने किसी और को बेचने का प्रॉमिस कर दिया है. तो अब आप यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, देखो मेल भी मुझे कार वाले आ रहे हैं, कार 24. एनीवे, तो यहाँ पे एक बात बताइए, बी ने लैप्स ऑफ टाइम कर दिया, ठीक है ना, तो अपने आप ही जो ऑफर है वो रिवोक हो गया. आप ये बात समझो कि मैं क्या बात बोल रही हूँ. ए ने उसको टाइम दिया था वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM, वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM हो गई, ए ने कुछ नहीं बोला. ये
ऑफर ए द्वारा दिया गया अपने आप ही रिवोक हो जाता है क्योंकि टाइम निकल गया है, टाइम लैप्स हो गया। तो अगर आपने सामने वाले को कोई टाइम लिमिट दी है और वो टाइम लिमिट पार हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो चुका है, कैंसिल हो गया आपके लिए ऑफर, ठीक है ना। अगर बी, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने टाइम दिया था वेंडर से 10 बजे तक, उसके बाद अगर कोई जवाब तब भी नहीं आता तो आपको कोई रिवोकेशन का कम्युनिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रिवोक हो गया आपका ऑफर जो आपने दिया था सामने वाले को। उसके बाद अगर आपने कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी है, आपने कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी है कि वेडनेसडे 10, ट्यूसडे 11, ऐसा कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी तो एक रीजनेबल टाइम दिखेंगे। अब ए ने बी को ऑफर करा गाड़ी बेचने का, तो महीने बाद अगर बी वापस आएगा तो ए तो बोल देगा ना, भैया मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी, मैंने वेट कर रहा था आपका थोड़े दिन। तो ये एक रीजनेबल टाइम होता है जो हर कोई अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सेट करता है कि मैं इतना टाइम वेट करूंगा सामने वाले के लिए। अगर मैं आपके लिए, मैं एक फ्लोरिस्ट हूँ, मैं फ्लावर्स बेचती हूँ और मेरा एक बहुत ही महंगा ऑर्किड्स का बुके, ऑर्किड्स आपको पता है इंटरनेशनल फ्लावर है, बहुत महंगा होता है, ऑर्किड्स का बहुत बड़ा बुके 7,500 रुपये का बुके, 7,500 छोड़ो ऐसे कौन लेता, 10,000 रुपये का बुके, इतना बड़ा आपको बहुत पसंद आया, आपने कहा मैम हमें ये बुके खरीदना है बट हम ना आपको बताते हैं कल। मैंने कहा ठीक है बता देना, कल निकल गया, परसों निकल गया, आप नहीं आए वो बुके खरीदने, मैंने आपका ज़्यादा वेट भी नहीं करा, मेरे को फ्लावर्स ख़राब थोड़ी ना करने हैं, फ्लावर्स का तो रीजनेबल टाइम होता है ना एक, मैं मैक्सिमम एक दिन वेट कर लूँगी, अगले दिन तो कोई और मिलेगा तो मैं उसको बेचूंगी ना। मैंने तीसरे दिन वो किसी और को बेच दिया और आप पैसे इकट्ठे करके आ गए कि मैम ये लो मैम 10,000 रुपये हमें ये बुके चाहिए, क्योंकि मैंने किसी और को बेच दिया। आप मेरे को कुछ बोल नहीं सकते, आप कहोगे मैम आपने वेट नहीं करा, आपने टाइम नहीं दिया, कैसे टाइम दूँ, फ्लावर्स हैं ख़राब हो जाएंगे। तो जब कोई टाइम मेंशन नहीं करते हो आप सामने वाले को तो प्रोडक्ट के हिसाब से जो रीजनेबल टाइम होता है उतना वेट कर सकते हो, और अगर सामने वाला उतने टाइम के बीच में भी आपको हाँ या ना करे तो आप अपने ऑफर को वापस रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दे नहीं है, टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। अब अगेन एग्जाम्पल, यहां कह रहे हैं कि मैंने आपको सपोज एक ऑफर दिया और मैंने एक कंडीशन डाली कि भैया एक्सेप्टेंस से पहले कंडीशन सुन लो एक, मतलब कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस, प्रीसीडेंट मतलब एक्सेप्टेंस से पहले, कंडीशन का मतलब तो पता है आपको, कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस है। मैंने आपको बोला मैं गाड़ी तो आपको बेच रही हूँ पर मुझे पूरे 5 लाख रुपीज में से कम 4 लाख रुपीज कैश चाहिए क्योंकि मुझे कहीं मूव ऑन होना है, मूव करना है न्यू रेजिडेंस में, तो आई नीड कैश, और मैं अपना बैंक अकाउंट वैसे भी बंद कर चुकी हूँ, 1 लाख तो मैं चलो फ्रेंड के अकाउंट में ले लूँगी, मैं इतनी कहानी क्यों करनी, 4 लाख रुपए तो मुझे कैश चाहिए, ये मेरी कंडीशन है, तभी आप मेरी गाड़ी खरीदी, नहीं तो मैं कोई और बायर ढूंढूँ, ये मेरी कंडीशन है। अगर आपने मेरी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आपके लिए मेरा ऑफर वापस ले लूँगी मैं, ऑब्वियस बात है, क्यों क्यों ले लूँगी अपना ऑफर, क्यों रिवोक करूँगी, If you fail to fulfill a condition precedent to acceptance, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, By the death or insanity of proposer, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, अब यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मुझे मरना नहीं है, लेकिन अगर सपोज मिस्टर ए भी बहुत सेफ है, ए भी एग्जाम्पल ही लेते हैं, ए ने बी को ऑफर किया था गाड़ी बेचने का, देखो अभी भी ये स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं, वी कैन टेक अ न्यू कलर, यू कैन सी, लेट्स टेक अ न्यू कलर, ए और बी वाला एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला गाड़ी बेचने के लिए, सपोज इससे पहले कि बी हाँ बोलता, इससे पहले ए की डेथ हो जाती है बेचारे की, ए की डेथ हो जाती है, इन दैट केस ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड फॉर बी। एक्सेप्टेंस से पहले अगर वो ऑफर, एक्सेप्टेंस से पहले अगर एक ऑफरर की डेथ हो जाती है तो वो ऑफर अपने आप क्या माना जाता है, रिवोक्ड, कैंसल्ड, राइट। अ प्रपोजल ऑल्सो स्टैंड रिवोक्ड इफ, यहां कह रहे हैं प्रपोजल, और कब ये केस आता है, जब प्रपोजल रिवोक अपने आप माना जाता है कि ये रिवोक हो गया अपने आप ही, और ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो ये 2 पॉइंट्स और हैं जिसमें प्रपोजल अपने आप क्या हो जाता है, कैंसिल, रिवोक्ड। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मोड एंड इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर।
अब अगेन आप कहोगे क्या है प्रिस्क्राइब मोड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सुनिए ध्यान से। प्रिस्क्राइब मोड यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको एक ऑफर दिया और मैंने उस ऑफर के नीचे लिखा कि काइंडली रिवर्ट योर एक्सेप्टेंस वाया ईमेल और अपना ईमेल आईडी डाल दिया कि भैया आप लोग जो एक्सेप्टेंस है ना प्लीज़ ईमेल के थ्रू देना, मैं उसी पे रेगुलेट करूँगी। पर आप ऑफर को लेके थे बहुत एक्साइटेड, आपने मुझे एक रिटर्न लेटर भेज दिया, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन आपने मेल नहीं करा जो तरीका लिखा था मैंने, जो मेरी कंपनी ने लिखा था आपको, आपने मेल नहीं करा। इसका मतलब यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, आपने उस मोड में नहीं एक्सेप्टेंस दिया जो मोड मैंने प्रिस्क्राइब किया था। और अगर मैंने कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं करा था तो आप किसी भी रीजनेबल मैनर में कर सकते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैंने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया आपको कि भैया आपको एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू देनी, और आपने अगर नहीं दिया ईमेल के थ्रू, फिर जो मर्जी आप एक्सेप्टेंस दे दो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी और ये ऑफर आपके लिए रिवोक्ड माना जाएगा। अगला है ऑफर मेक्स अ काउंटर ऑफर, ऑफरी बेसिकली, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, इट्स ऑफरी, ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर। अब सबसे पहले काउंटर ऑफर क्या होता है, अच्छा सबसे पहले ऑफरर ऑफरी क्या होता है, ऑफरर कौन होता है जो ऑफर देता है, ऑफरी कौन होता है जिसको ऑफर दिया जाता है। तो भाई हमारे अगर पुराने एग्जाम्पल पे हम लोग आए तो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ था ए क्या है ऑफरर एंड बी इज ऑफरी। ऑफरर ने ऑफर दिया बी ऑफरी को, जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने भी वापस से एक ऑफर दे दिया ए को, तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। ए ने बोला मैं गाड़ी तुझे 5 लाख की बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा मैं भी तुझे अपनी कार 3 लाख की बेचना चाहता हूँ, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। और ऐसा ऑफर जब हो जाए तो ये ऑफर कैंसल्ड माना जाता है, यू हैव टू मेक अ फ्रेश ऑफर एज पर लॉ, दिस इज अ काउंटर ऑफर, राइट। तो ऑफर के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, अंडरस्टैंड। तो आगे हमें देखो, हमने काफ़ी डेफिनेशन से लेके हमने वैलिड पॉइंट्स क्या हैं, फिर रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, कब रिवोक होता है ऑफर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑफर के बारे में ऑल क्लियर, ऑफर की डेफिनेशन, विलिंगनेस, चाह बताते हैं जब सामने वाले को ऑफर के लिए क्या क्या वैलिड पॉइंट्स होते हैं, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, जनरल स्पेसिफिक ऑफर एक्सेट्रा। उसके बाद रेवोकेशन कब होती है, जब आप एक्सेप्टेंस ना दें, सही तरीके से एक्सेप्टेंस ना दें, ऑफर की डेथ हो जाए, तो इन दैट केस ऑफर रिवोक हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सेप्टेंस, न्यू टॉपिक, न्यू कलर, राइट। एक्सेप्टेंस मीन्स एडमिटिंग एंड अग्रीइंग टू समथिंग। अगर आप मेरे को कोई ऑफर दे रहे हैं और मैं उसको हाँ बोल रही हूँ, अपनी मंजूरी दे रही हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस। यहाँ देखिए, द टर्म एक्सेप्टेंस मीन्स एडमिटिंग एंड अग्रीइंग टू समथिंग, टू एक्सीड टू समथिंग और टू एक्सेप्ट समथिंग। किसी चीज़ में आगे बढ़ना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी मंजूरी देना, एडमिट करना, अग्री करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सेप्टेंस। ये लिखे ना, एक्सेप्ट समथिंग, एडमिट करना, अग्री करना, ये सारे क्या है, एक्सेप्टेंस के सिनोनिम्स। एंड ऑफर टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन अपॉन डेफिनेट टर्म्स टू क्रिएट लीगल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एन इंटेंशन ऑफ द ऑफरी टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ये दोबारा पढ़िए, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। An offer to enter into legal relation, हमारा एक जो ऑफर आया था लीगल रिलेशन में एंटर करने के लिए एक टर्म्स पे, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, उसमें अगर ऑफरी की इंटेंशन भी जुड़ने की हो तो वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तो आपकी अगर इंटेंशन है लीगली वो मेरी गाड़ी खरीदने के लिए और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट, राइट। सेक्शन 4 देखिए, प्रोवाइड दैट कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि ऑफर की कम्युनिकेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना, ज़रा ऊपर आ जाइए इस पॉइंट को लेके, वो कहेंगे ए एंड बी, यस ये रहे। तो ए ऑफर देता है और बी को ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट। अगर तो ए का दिया हुआ ऑफर बी रिजेक्ट कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, अगर ए के दिए हुए ऑफर को बी एक्सेप्ट कर ले तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफरर को अपने ऑफर को कंप्लीट और कम्युनिकेट करना है ऑफरी को, वैसे ही
ऑफरी जब एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में भी लिखा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। यहाँ कह रहे हैं एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो जब आप प्रपोजल मतलब जिसने ऑफर दिया है उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस वो होती है जब हाँ उसको ट्रांसमिट कर दी जाए ऑफरी द्वारा, एक्सेप्टर द्वारा। देखो एक्सेप्टर कौन है, ऑफरी है ना हमारा, क्योंकि वही एक्सेप्ट करेगा, और हमारा प्रपोजर कौन है, ऑफर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब ऑफरी ट्रांसमिट करेगा अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर को तभी वो इसके लिए कंप्लीट मानी जाएगी। और एक्सेप्टर के हिसाब से कब कंप्लीट मानी जानी चाहिए एक्सेप्टेंस, जब वो किसके नॉलेज में आ जाए, ऑफरर के। इन्होंने एक्चुअली ऑफरर को प्रपोजर और ऑफरी को एक्सेप्टर लिखा हुआ है। अब यहाँ ठीक से सुनिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी मैं ऑफरर आप ऑफरी, मेरे हिसाब से आपकी दी हुई एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो मेरे तक ट्रांसमिट हो जाएगी, और आपके हिसाब से एक्सेप्टेंस आपकी दी गई तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे सपोज आपने बोला कि हाँ मैम हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे, पर आपने ये चीज़ मुझे नहीं बोली, मेरे मैनेजर को बोल दी, तो आप ये मत समझिए कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी। आपकी एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो मेरी नॉलेज में आ जाएगी, राइट। आगे देखिए, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ऑफर के पॉइंट्स थे वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस के कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस, पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी। अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है किसी को उसके ऑफर को लेके, तो आप ओरल भी दे सकते हैं और राइटिंग में भी। एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी, मतलब एक्सप्रेस मतलब बोल के लिख के भी दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एक्शन से ही इम्प्लाइड हो कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो एक्सेप्टेंस का एक और रूल है कि आप एक्सेप्टेंस उसी तरीके से दीजिए जो तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट, मतलब अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी, मतलब नो कंडीशन। आप एक्सेप्टेंस करते टाइम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे, और आपके जो एक्सेप्टेंस है वो सारे टर्म्स पढ़ के और उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ऑफर। इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको ऑफर दे रही हूँ और आप मुझे कंडीशन लगा रहे हो, हम तभी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे जब ये होगा, तब ये होगा, जब ये, जब वो, जब तब, बट इफ, बट जब आ जाते हैं, ये कंडीशंस होती हैं। और जहाँ कंडीशनल एक्सेप्टेंस आ जाए तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते और ऑफर कैंसल्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए, काउंटर ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस विल ऑल्सो अमाउंट टू रिजेक्ट ऑफर, बट द काउंटर ऑफर मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द अदर पार्टी। अच्छा यहाँ देखिए, मैं फिर से ए और बी को लाती हूँ। ए ने क्या ऑफर दिया था बी को, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ तुझे, कितने की, 5 लाख। ये अभी तक रट गया होगा आपको, है ना। बी ने बोला मैं गाड़ी तो खरीद लूँगा पर 5 लाख की नहीं, 4 लाख की। ये बी ने क्या करा, बी ने ए के दिए गए ऑफर के ऊपर अपना ऑफर दिया, तो इसको भी काउंटर ऑफर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस काउंटर ऑफर को जो दिया है बी ने, ये माना जाएगा कि ऑफर के बदले ऑफर देना इज नो ऑफर, अंडरस्टैंड। तो ए ने बी को जवाब दिया कि मैं गाड़ी 5 लाख की बेचना चाहता हूँ, आप 4 लाख की खरीदना चाहते हैं, मैं गाड़ी आपको बेचना ही नहीं चाहता, एंड बी चला गया अपने घर, अपने होम स्वीट होम, ठीक है, इग्नोर द ड्राइंग। तो ये खत्म हो गया, बात वहीं खत्म हो गई, ऑफर खत्म हो गया। लेकिन अगर ए चाहे तो बी के इस ऑफर को, 4 लाख वाले ऑफर को भी एक्सेप्ट कर सकता है और एक न्यू ऑफर बनाएगा, तो न्यू कलर, राइट।
तो यहाँ पे ए ने बी को बोला कि ठीक है मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटर ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस विल अमाउंट टू रिजेक्ट ऑफ ऑफर, मतलब अगर आपने काउंटर ऑफर दे दिया तो वो रिजेक्शन मानी जाएगी, बट द काउंटर ऑफर मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द अदर पार्टी। अभी इस पर डिपेंड करता है कि इसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ऑफिसर नहीं है ये ऑफरर है, सिंस एक्सेप्टेंस कंप्लीट, तभी जब इसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, ठीक है ना, कम्युनिकेट हो जाएगी। खाली साइलेंस रखना एक्सेप्टेंस नहीं है, ये चीज़ याद है मैंने आपको अभी भी बताई थी, खाली दिमाग में सोच लेना कि हाँ मैं तो इसकी गाड़ी खरीदूंगा, दिमाग में सोचने लेना इज नॉट एक्सेप्टेंस, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगी ये बात। द एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन इफ देयर इज अ टाइम लिमिट इज फिक्स्ड और अदरवाइज एट अ रीजनेबल टाइम। तो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस का एक और रूल है, तभी दे दीजिए जो टाइम फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था ए ने क्या टाइम दिया था बी को, वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM। तो वेडनेसडे मॉर्निंग 10 AM से पहले पहले बी को अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो ए ऑफर चेक कर देगा, पढ़ा था ना हमने। तो एक्सेप्टेंस देने का क्या टाइम है, वो टाइम जो ऑफर ने आपको दिया है, अगर कोई टाइम नहीं दिया तो एक रीजनेबल टाइम जो एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ इतना समय ठीक है किसी को जवाब देने के लिए। आगे देखिए, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की भी रेवोकेशन है। यहां कह रहे हैं बी ने, अगर जैसे ए और बी का एग्जांपल हम कब से ले ही रहे हैं, ए ने बी को ऑफर दिया गाड़ी का, बी को एक्सेप्टेंस देनी है, बी ने एक्सेप्टेंस दी, अब बी अपनी एक्सेप्टेंस वापस भी ले सकता है। जैसे पहले तो बोल दिया हाँ मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा, फिर बी को लगा नहीं यार ये क्या, मेरे को अब गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, पहले मैं गाड़ी सीख तो लूँ, पहले ही 5 लाख रुपए की गाड़ी ले लूँ, अपना कैपिटल ख़राब कर दूँ, ठीक है ना, तो ये सही बात नहीं होगी। तो बी ने ना क्या करा, अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली, बट कैसे ले सकता है। सेक्शन 5 कहता है एक्सेप्टेंस रिवोक करी जा सकती है अगर आप चाहें तो, एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट, नॉट afterwards। जैसे आपने एक्सेप्टेंस तो भेजी ऑफरर को, जैसे बी ने अपनी एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट करी ए को, पर अभी तक कम्युनिकेशन मतलब हुआ नहीं, जैसे ए के पास पहुंची नहीं अभी तक ये मैसेज कि बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, जब तक ए के पास इस चीज़ का मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं आता उससे पहले पहले बी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। लेकिन अगर ए को एक बार आपने एक्सेप्टेंस भेज दी उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको ऑफर करा और आपने हाँ बोल दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो, लेकिन हाँ बोलने से, हाँ बोल तो दिया आपने लेकिन मेरे तक हाँ पहुंची नहीं अभी तक, उससे पहले पहले आप कभी भी अपनी हाँ एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। तो आज हमने क्या क्या बातें करी है, हमने ऑफर के बारे में बात करी है, ऑफर की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करी है, वैलिड ऑफर क्या क्या होता है, ऑफर के लिए क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, फिर हमने बात करी ऑफर को कैसे रिवोक करा जा सकता है और प्रपोजल कैसे रिवोक हो जाता है खुद भी, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्टेंस के क्या क्या वैलिड पॉइंट्स है, ये सारी बातें हमने अच्छे से कर ली हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन टू माइंड वाइल गिविंग एक्सेप्टेंस, और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होता है वो भी हमने बात कर ली है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइड एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट्स। अब आपको धीरे धीरे कुछ मज़ा आने लगेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लॉ में, अब आपको लगेगा हाँ हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में अब आपका एक डिफ़िकल्टी लेवल चैप्टर का बढ़ने लगेगा इसके बाद। तो इसलिए मैंने पहले के बेसिक्स आपके बहुत आराम से धीरे धीरे क्लियर करे हैं ताकि आपको बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग है तो आगे का हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लॉ का वैसे ही मैंने आपको एक चीज़ बताई गई है, लॉ सुनने से याद नहीं होता है, समझना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लीगल में लिखने की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। काफ़ी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हमें ना सिर्फ अकाउंट्स और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन्हीं को प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं आपको थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली लॉ को भी प्रैक्टिस करना चाहिए लिख कर, उससे हमारा हाथ पड़ता है, हम एक लीगल लैंग्वेज लिख पाते हैं। खाली इंग्लिश की ईजी लैंग्वेज लिखाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि आप अपने जितनी भी समझे हैं, जितना मैं आपको समझाती हूँ उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, कोशिश करें कि थोड़ा बहुत लिख लें, अदरवाइज़ बाद में आरटीपीस जब कराऊंगी तब तो आप लिखेंगे, राइट। तो यहाँ तक आज हमारा सेकेंड सेशन था, ठीक है। हम लोग पढ़ने के साथ ड्राइंग्स कितनी करते थे, सो मेनी आवर कंटेंट इज़ सो कलरफुल, राइट, कलरफुल तो होना चाहिए ना, तभी तो लॉ में थोड़ा स्पाइस आएगा।
So, void and voidable argument we will start in the next class. Till then, please study hard, stay safe, and do revise what we have done. Thank you so much.